हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में आगे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। वक्त को ज़ाया ना करते हुए और पिछली वीडियो को कंटिन्यू करते हुए, पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या है और क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हमने देखा है, हमने अभी तक टेलीकम्युनिकेशन और उसके एवोल्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, सबसे पहले हमने टेलीकम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, जाना कि 4G टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी से क्यों ज़्यादा बेटर है, क्यों इम्प्रूव करा जा रहा है इन चीज़ों को, ये सारी 5G की हमारी नीड क्यों है। ठीक है, उससे पहले हमने मोबाइल कम्युनिकेशन और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा दिस वॉज द पार्ट ऑफ आवर अनगाइडेड ट्रांसमिशन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा गाइडेड ट्रांसमिशन। गाइडेड ट्रांसमिशन में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर के यानी फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्यों उसकी जरूरत है और वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा अनगाइडेड मीडिया है वो क्या है, इट इज हाईली अनसिक्योर। ठीक है, इन अनसिक्योर होने की वजह से ही क्या कर रहे हैं हम, और क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें इंफॉर्मेशन के मिक्सिंग होने के भी चांसेस हैं और साथ साथ क्या है उसके कहीं ना कहीं हमारे उस डेटा के लॉस होने के भी चांसेस है। जब हम किसी इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होती है, एक पर्टिकुलर पाथ में ट्रैवल नहीं करती। तो जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे फ़ोन से ट्रैवल होते हुए टावर तक पहुंचती है तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। ठीक है, तो उस लॉस को क्या करा जाता है, ओवरकम करने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, वहाँ पर एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन को फिर से रीगेन करते हैं और यू कैन से एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसको क्या करा जाता है, फर्दर आगे ट्रांसमिट करा जाता है। जब वो एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन जाते हैं तो अगेन क्या होता है, वो फिर से क्या होता है, इंफॉर्मेशन का लॉस यानी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ लूज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या करा जाता है, फिर से अगेन उसको क्या करा जाता है, एम्पलीफाई करा जाता है, फिर अगेन उसको ट्रांसमिट करा जाता है, फिर एम्पलीफाई करा जाता है। इस तरीके से हमारा प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। लेकिन अगर हम फाइबर ऑप्टिक्स की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि हम एक बार जो इंफॉर्मेशन भेज देते हैं वायर में, वो एक जगह से दूसरी जगह जब पहुंचती है तो उसमें इंफॉर्मेशन यानी उसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन कह लो या फिर मैं उसका कह लूं कि उसका पावर का जो लॉस है वो बहुत माइनर सा होता है। ठीक है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का अभी यूज करते हैं और करने वाले हैं और 5G टेक्नोलॉजी में हम उसका काफी यूज करने वाले हैं। ठीक है, 5G में तो हम एक बेसिकली बैंडविड्थ एक्स्ट्रा ले रहे हैं, लेकिन जब वो इंफॉर्मेशन टावर्स तक पहुंचने के बाद जब वो हमारे तक पहुंचती है या जिसे हम वाईफाई कनेक्शन कहते हैं या फिर हम जिसे हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन कहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन वायर के थ्रू ही आती है और फिर क्या करते हैं, फिर हम वाईफाई का यूज करके उसे अपने सेलफोन या मोबाइल, आपका लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज कर पाते हैं। लेकिन जब हमारी इंफॉर्मेशन है टावर से होते हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन कैसे आती है, वायर के थ्रू ही आती है। और वो वायर कौन सी होती है, अभी जो पर्टिकुलरली जो वायर है वो कौन सी यूज करी जाती है, कोएक्सियल केबल। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में ऑप्टिकल फाइबर को एस्टेब्लिश करा जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि इंफॉर्मेशन का लॉस कम हो सके और सबसे बड़ा एडवांटेज उसका जो है वो उसकी बैंडविड्थ है, जो कि अभी हम देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले अनगाइडेड मीडिया इट रेफर्स टू द वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। द सिग्नल इज बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन द नैरो पाथवे बाय यूजिंग द फिजिकल लिंक। ठीक है, तो ये क्या है, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज भी है और बेसिकली क्या है, इसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, हम पूरी वायर्स को एस्टेब्लिश करते हैं तो इसलिए वो कॉस्टली पड़ जाता है। और जबकि हम बात करें इसका एडवांटेज क्या है कि हमारे पास यहां पर सबसे बड़ी फीचर क्या है, इट्स अ हाई स्पीड सिक्योर। ठीक है, और जो कि क्या है, इट इज बेसिकली, इट कैन बी बेसिकली और यूजली यूज्ड फॉर कंपैरेटिवली फॉर लेस डिस्टेंस, शॉर्टर डिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं वही बात करूं, अगर मुझे यहां से कॉल करनी हो कहीं दूसरी कंट्री में, ठीक है, यू कैन से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या कहीं पे भी, तो वहां पर हम वायर का यूज नहीं कर सकते। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है, उसका यूज करते हैं। तो वहां पर क्या है, वहां पर इंफॉर्मेशन लॉस होने
होने के जान सकता है, लेकिन वहां पर हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए हम क्या करते हैं अपने वायरलेस कम्युनिकेशन को ही ज्यादा से ज्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी बहुत कम है एज कंपेरिजन टू अवर दिस यानी दिस वायर्ड कम्युनिकेशन। तो इसीलिए जब हम शॉर्ट डिस्टेंस में वायर्ड कम्युनिकेशन का यूज करते हैं तो दैट इज हाईली सिक्योर और वेरी फास्ट, ठीक है, क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर है जो कि हम यहां पर पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, जो कि क्या करता है हाईली सिक्योर क्यों है, क्योंकि उसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं पे किसी को लूज नहीं हो रही, जैसे कि अगर हम एयर में अपने सिग्नल्स भेज देते हैं तो कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन जब वायर से कोई इंफॉर्मेशन ट्रेवल होती है तो वो वायर के अंदर ही रहती है, दैट्स व्हाई इट इज हाईली सिक्योर एज कंपेरिजन टू अवर वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए ऑप्टिकल फाइबर उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर होता क्या है, इट इज मेड फ्रॉम आइदर ग्लास और प्लास्टिक, मोस्ट आर रफली द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर, ठीक है, और दे मे बी मेनी माइल्स लॉन्ग, ठीक है, काफी दूर तक जा सकते हैं, जिसे अभी हर जगह इसी से एस्टेब्लिश करा जा रहा है धीरे, नॉर्मल जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, और अगर धीरे धीरे इंप्रूव करके उसके रूरल एरियाज तक भी पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका इसीलिए क्या है, ये किस चीज से बनी है, बेसिकली ग्लास से बनती है, या इसे हम क्या कहते हैं प्लास्टिक से, जो आपका जो ये वाला जो पार्ट है जो कि आप देख रहे हैं, और इसे हम क्या कहते हैं कोर, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होती है क्लैडिंग, और उसके ऊपर प्लास्टिक कोटिंग, ठीक है। जो क्लैडिंग होता है वो क्या करता है एज अ मिरर की तरह काम करता है, ठीक है। जब हम कोर के अंदर अपनी लाइट वेव्स को, बेसिकली क्या है प्लास्टिक है, और जो हमारे सिग्नल जाते हैं इसमें भी किस फॉर्म में जाते हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जाते हैं। तो जब कोर के अंदर हमारे सिग्नल ट्रैवल करते हैं तो उसमें क्या होता है, जो हमारी क्लैडिंग है जो कोर के ऊपर लगी हुई है वो क्या करती है एज अ मिरर काम करती है, और जब हमारे सिग्नल्स अंदर ट्रैवल करते हैं तो वो क्या करती है वो क्लैडिंग से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे जो सिग्नल है वो कोर के अंदर ही कंटीन्यूअसली ट्रैवल करते रहते हैं, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे सिग्नल है वो कोर के अंदर ही क्या कर रहे हैं इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि कोर के चारों तरफ क्या है हमारी क्लैडिंग लगी हुई है और वो एज अ मिरर काम कर रही है, ठीक है। और क्या है, इट इज जैसे कि आपने देखा है कि लाइट इज ट्रांसमिटेड अलोंग द सेंटर ऑफ द फाइबर फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड, एंड द सिग्नल मे बी imposed and the optical fiber system are superior to the metallic conductor in many application, ठीक है। तो जो कि क्या है इसका बहुत ज्यादा यूज भी है, क्यों, क्योंकि जो हमारी पहले metallic wire, copper wire use करी जाती थी उससे क्या होता था हमारा heat loss होने का, जिसे हम क्या कहते हैं हमारे information के loss होने का और reduction होने का हमारे chances बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमारा heat loss बहुत कम होता है, बहुत minor होता है, जिस वजह से ये हाईली एडवांटेजियस है एज कंपेरिजन टू अवर मेटलिक वायर्स, ठीक है। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसकी वर्किंग, वर्किंग जैसे कि मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि बेसिकली क्या हो रहा है हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो किसमें जा रही है, वो कोर के अंदर जाते हुए ट्रैवल करती है, ये हमारी जो कोर है इसी के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है, ठीक है। जब लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम फाइबर केबल बाय बाउंसिंग ऑफ द वॉल्स ऑफ द केबल रिपीटेडली, ठीक है, ईच लाइट यानी पार्टिकल फोटोन्स बाउंसेस डाउन द पाइप विद कंटिन्यूड इंटरनल मिरर लाइक रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि हमारे जस्ट लाइक अ मिरर, यानी अगर मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाऊं तो हमारी रिफ्लेक्शन सामने वापस आएगी, लेकिन इसमें क्या है हर जगह पे उसके लिए मिरर रखा हुआ है, ठीक है। एक बार जब हमारे सिग्नल अंदर कोर के अंदर पहुंच जाते हैं, कोर के अंदर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो जैसे ही वो एक बार मिरर से ट्रैवल रिफ्लेक्ट होके वापस आती है कोर के अंदर, तो वापस उसको क्या बोलता है नीचे फिर से अगेन उसे एक मिरर मिलता है, फिर इस तरीके से वो कॉन्टिन्यूअसली वो क्या करती है मिरर की रिफ्लेक्शन के होते हुए, जैसे कि मिरर में रिफ्लेक्शन होती है ऐसे ही क्या होता है इसके अंदर ये ट्रैवल करती चली जाती है, ठीक है। द लाइट बीम ट्रैवल्स डाउन द कोर ऑफ द केबल एंड द कोर इज द मिडल of the cable and the glass structure and the cladding is another layer of the glass wrapped around the core and the cladding is therefore to keep the light signal inside the core, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। इसमें यही करा जा रहा है कि हमारे information continuously इसके अंदर रहेगी, तो automatically क्या होगा information का loss नहीं होगा, heat नहीं generate होती, जैसे कि आपने देखा है जब आपके electrical signals आते हैं, जब electricity आती है तो possible होती है कि उसमें कई बार आपने सुना होगा कि आग लग गई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, क्यों होता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल लॉस होता है और वो क्या करता है आसपास की चीजों को बर्न कर देता है, लेकिन जब हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का लॉस होने का, यानी जो हमारी बेसिकली यहां पर जो सिग्नल है वो लाइट की फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, और लाइट की फॉर्म में भी ऐसे सिग्नल्स होते हैं जिसका हीट लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसी वजह से हमारे को इस ये जो हमारे ऑप्टिकल फाइबर है काफी हेल्पफुल है और काफी ज्यादा एडवांटेजियस है एज कंपेयर टू our
कॉपर केबल, जिसे हम कोएक्सियल केबल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा एडवांटेज। जैसे कि मैंने बताया इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इज बैंडविड्थ, जो कि हम मैंने आपको बताया कि जैसे कि 5G है, पहले 4G में कितनी बैंडविड्थ थी, 3 GHz, और वही अब 5G की अगर मैं बात करूं तो 30 GHz तक की इंफॉर्मेशन हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी उसका जो बैंडविड्थ है हमने काफी बढ़ा दिया है, पहले इतना था तो अब इतना कर दिया है, यानी 10 times। उसी तरीके से जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है उसका क्या है, उसका बैंडविड्थ भी बहुत ज्यादा है, यानी उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो 5G की इंफॉर्मेशन है, यानी जितनी 5G जो इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, यानी 5G के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्टली ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करके हम अपने वाईफाई के थ्रू होते हुए उसको क्या कर सकते हैं, अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं, हम अपने लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं, या एक टाइम पे बहुत सारी चीज़, बहुत सारे लैपटॉप्स या बहुत सारे फोन्स को कनेक्ट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है हमारे पास, क्यों, पीछे से ही डेटा बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इसको ये क्या है, बेसिकली आइसोलेटेड है, क्योंकि आसपास इसके क्या है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स नहीं है इसके, अदरवाइज हम बात करें तो इसमें नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल कॉपर वायर्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जिसको वो बेसिकली क्या होता है, जिससे उसमें हीट लॉस होता है, तो उसको अगेन इन्फॉर्मेशन को एम्पलीफाई करना होता है, इसलिए यहां पर जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही देखने को मिलता है कि हमारे को एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है, जो कि कॉपर वायर में लगानी पड़ती थी, वो नहीं लगानी पड़ती है, उसको क्या है, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन होता है। उसके साथ साथ क्या है, फ्री फ्रॉम EMI, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने बताया कि जब हमारी एयर में जब सिग्नल्स ट्रैवल करते हैं तो वहां पर बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं, तो एक दूसरे के इंटरमिक्सिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, हमारे जो सिग्नल्स हैं वो क्या है, इंटरमिक्स नहीं होते, क्योंकि एक ही वायर से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे, उसमें भी क्या है, हमारा बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास कम सिग्नल आ रहे हैं, क्योंकि जो कि हमारे पर्टिकुलर जो सिलेक्टेड जो डिवाइस जो हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है, वही वहीं से क्या हो रही है, वही इंफॉर्मेशन जा रही है और वही वापस आ रही है, तो इंटरमिक्सिंग होने के, इंटरफ्रेंस होने के कम चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है लो पावर लॉस। जैसे कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बहुत ज्यादा पावर लॉस होता है, लेकिन हमारे ऑप्टिकल फाइबर में नहीं होता है, इट इज हाईली लाइटर एंड स्मॉलर, ठीक है। जैसे कि हमने आपको बताया कि कॉपर केबल क्या है, इट इज अ बेसिकली मेटलिक, ठीक है, वहां पर जो मेटल्स होते हैं वो काफी हैवी होते हैं, और वहीं अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की, जो कि हमारी कोर का और जो हमारी क्लैडिंग और आउटर को आउटर स्ट्रक्चर होता है वो सारा प्लास्टिक का बना होता है, तो वो क्या है, वो काफी लाइटर होता है, जिसको एस्टेब्लिश करना बहुत आसान हो जाता है, और काफी हद तक उसको बनाना भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इस एडवांटेज, इतनी ज्यादा एडवांटेज होने की वजह से ही क्या कर पा रहे हैं हम, उसको आगे फ्यूचर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हम 5G को भी क्या कर सके, हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सके। उसके बाद आता है हमारा एप्लीकेशन। जैसे कि हमने पढ़ा इसके एडवांटेज ऑफ एप्लीकेशन में, बेसिकली इट कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में, लोकल एरिया नेटवर्क्स में, जैसे कि बताया कि मैंने वाईफाई का जब हम यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क ही है एक तरीके से, हम उसको क्या करते हैं, केबल्स के थ्रू अलग अलग लैपटॉप्स या आपके कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर देते हैं, और अगर अगर हम केबल के थ्रू नहीं कर रहे हैं तो इट बिकम्स वायरलेस, जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम हो गया, या एवियोनिक सिस्टम हो गया, मिलिट्री कमांड कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में भी हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इन चीजों का क्यों ज्यादा जरूरत है इनकी, ऑप्टिकल फाइबर की, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि यहां पर जो सिग्नल है वो हम क्या कर रहे हैं, सिक्योर रखना चाह रहे हैं। अगर मैं बात करूं मिलिट्री की, तो हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है मिलिट्री से रिलेटेड या हमारे एवियोनिक सिस्टम से रिलेटेड या इंडस्ट्री से रिलेटेड, काफ़ी सिक्योर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है तो इट कुड बी हार्मफुल फॉर एनीवन, एनीवन मींस इवन नॉर्मल पर्सन के लिए भी हार्मफुल हो सकती है। तो दैट्स व्हाई कि यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इसके सेंसिंग सिस्टम, यानी हम जो बेसिकली जो हमारी ऑप्टिकल फाइबर है, इट कुड बी यूज फॉर मेकिंग एनी फॉर डिटेक्टिंग सेंसेस, सेंसेस मतलब कि अगर प्रेशर बड़ा है या टेम्परेचर कम हुआ है या बड़ा है, तो उसका भी हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल फाइबर का यूज करके हम इन चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसे, जो हमारे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हमारे उस चीज को, यानी हमारे टेम्परेचर को, प्रेशर को, या अलग अलग एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट में कोई भी चेंज हो रही है, कोई भी चीज चेंज हो रही है, उसको क्या कर सकते हैं, हम लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब हम किसी चीज को लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं,
सेंसर्स, ठीक है, यानी वो हम चीज को क्या कर रहे हैं, सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, फिर वो लाइट के जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट होके हमारी पर्टिकुलर डिवाइस में शो होते हैं, तो दैट इज बी कॉल्ड सेंसिंग। तो यहां पर हम वही देखते हैं कि द फाइबर ऑप्टिक्स कैन बी यूज्ड टू डिलीवर लाइट फ्रॉम अ रिमोट एरिया टू डिटेक्टर टू ऑब्टेन प्रेशर टेम्परेचर एंड स्पेक्ट्रल इंफॉर्मेशन। द फाइबर कैन also be used directly as a transducer to measure a number of environmental effects such as strain, pressure, electrical resistance and pH. And the environmental changes affects the light intensity, phase and or polarization in way that can detect at the other end of the fiber. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज वी कॉल्ड सेंसर, यानी जहां पर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है वहां पर क्या है, वहां पर हमने ट्रांसड्यूसर्स वगैरह, हमने कुछ इक्विपमेंट लगा दिए और फिर क्या करते हैं, वो सिग्नल्स को उस पर्टिकुलर चेंज को क्या करते हैं, हम ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट करते हुए हम दूसरे एंड तक क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं और जान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कुछ पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर एरिया में किस तरीके का चेंज आया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, इस तरीके से हम बेसिकली इसकी हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर पाते हैं, ठीक है, सेंसिंग में। उसके बाद आता है पावर डिलीवरी। द ऑप्टिकल फाइबर कैन डिलीवर रिमार्केबली हाई लेवल ऑफ पावर फॉर टास्क सच एज लेजर कटिंग, वेल्डिंग एंड मार्किंग एंड ड्रिलिंग। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्टिकल फाइबर क्या कर सकती है, हमारी जो इन सब चीजों के लिए यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि इसमें पावर लॉस बहुत कम होता है, तो जितनी भी पावर हम एक एंड से दूसरे एंड में भेजेंगे तो वो डायरेक्ट सारी की सारी पावर जाएगी जाएगी। ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम लेजर में इसका यूज कर सकते हैं कटिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए। ठीक है, तो ये क्या है इसमें, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, नो वेरी लेस पावर लॉस। ठीक है, जिस वजह से क्या है, हम क्या कर पा रहे हैं, इसको इस पर्पस से यूज कर पा रहे हैं। उसके बाद क्या है, इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन में आपने पढ़ा होगा, आपने बहुत जगह देखा भी होगा इस तरीके की वायर्स को, इस तरीके के इक्विपमेंट्स को, जिसमें क्या होता है, हम एक एंड से लाइट को भेज देते हैं और वो दूसरे एंड पे क्या होती है, ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। और उसी तरीके से इसी मेथड का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एरियाज को ग्लो कर सकते हैं, लाइक रूरल एरियाज। ठीक है, रूरल एरियाज में जहां पर हमारे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस तरीके की वायर्स को एस्टेब्लिश करके हम अपने वहां पर रूरल एरियाज में, या जहां पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो पा रही है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, उस एरिया में इल्यूमिनेशन ला सकते हैं, लाइट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑप्टिकल फाइबर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। क्यों, क्योंकि उसके एडवांटेज इतने अच्छे हैं, उसकी बेनिफिट इतने अच्छे हैं कि इन फ्यूचर वो हमारे लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। और आप देखते भी हैं कि काफी हद तक हमारे काफी एरियाज में ऑप्टिकल फाइबर एस्टेब्लिश कर भी गई है। ठीक है, इसीलिए हमारे लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। और आगे 5G जब इंप्रूव हो जाएगा, यानी 5G एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो यही ऑप्टिकल फाइबर क्या होगा, हमारे 5G टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करने में क्या होगी, हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इसके बाद आता है VSAT टेक्नोलॉजी। व्हाट इज VSAT? VSAT इज बेसिकली डिवाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज अ वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, और जो कि जिसका यूज किस लिए होता है, हमारे डेटा ट्रांसमिशन के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, इट्स अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, जो कि आप डिश टीवी एंटीना देखते हैं अपने घरों में, या बहुत सारे आपने ऑफिसेज में भी देखा होगा। ये होता क्या है, इसमें करते क्या है, ये क्या है, इट इज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एंटीना। ठीक है, लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज करा जाता है। ठीक है, अगर हम टावर की बात करें, तो टावर्स में जो भी एंटीनाज लगे हैं उसमें क्या होता है, ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है। उसी तरीके से इनमें भी क्या है, ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो काम होता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और इनका जो डायमीटर होता है, यानी इनका जो अपर्चर होता है, दैट इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इसलिए इसका यूज स्पेसिफिक क्यों है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे जो टावर्स लगे हैं उसमें क्या है, उसने नंबर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, नंबर ऑफ कॉल्स को कलेक्ट करना है, थाउजेंड्स मिलियंस, दैट डिपेंड्स द कितने यूजर हैं उसके आसपास। लेकिन यहां पर क्या है, ये एक स्पेसिफिक घर के लिए या एक स्पेसिफिक एक ऑफिस के लिए ही बनाया गया है, ताकि जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ऑफिस से जाना चाहती है, यानी उसको भेजा जा रहा है दूसरी जगह पे, उसका यूज करा जा सके। ठीक है, तो ये वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल होता है, जिसका क्या काम है, डेटा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज
used for many types of data management and in high frequency trading, or in other words, the ground station with dish antenna that transmit and receive data from the satellite. ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा dish TV antennas जो होते हैं, जो कि basically किससे connect होते हैं, TVs जो है हमारी satellite से connect होते हैं, जब आप जो कि आप घर में देखते हैं कि जितने भी dish TVs antenna लगे हुए हैं, D2H लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सारे की सारी information direct satellite से आपके पास क्या करते हैं, आपके इस VSAT तक पहुंचा पाते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं आप नॉर्मल डेली लाइफ में किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन जो कि आप टीवी में देखना चाहते हैं वो रिसीव कर पाते हैं. ठीक है, तो ये VSAT क्यों इतना ज्यादा यूज में है, क्योंकि इसी का यूज करके अब हम हर एक घर में हमें क्या है, हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं. पहले क्या होता था, एक केबल प्रोवाइडर होता था और उस केबल प्रोवाइडर के पास क्या होता था, सारा एक्सेस होता था. यानी केबल प्रोवाइडर के पास क्या होती थी, सारी इंफॉर्मेशन सैटेलाइट के थ्रू आती थी और वो क्या करता था, फिर उसके बाद अपने वायर्स का यूज करके वो हर एक घर में क्या करता था, टीवी यानी केबल एक्सेस करवा पाते थे हम. ठीक है, लेकिन अब क्या है, हम क्या कर सकते हैं, इस स्मॉल वेरी स्मॉल अपर्चर का यूज करके क्या कर सकते हैं, हम हर घर में जो भी हम पहले केबल केबल के थ्रू हम यूज कर पाते थे, केबल प्रोवाइडर के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन ले पाते थे, अब हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम खुद से ले पा रहे हैं, डायरेक्टली जो सैटेलाइट से इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली अब हमारे पास आ रही है. ठीक है, तो दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे लिए क्या हो गया, हम हमें किसी के किसी केबल प्रोवाइडर की यूज नहीं है, यानी हमें इंटरमीडिएटर की कोई यूज नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास सर्विस कहां से आ रही है, सैटेलाइट से आ रही है. ठीक है, अब इसके फीचर्स क्या है, फीचर्स देखते हैं इसके बारे में. जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमारे पास क्या है, इट इज अ अर्थ स्टेशन, और जहां पर जैसे कि मैंने बताया सैटेलाइट से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन कहां आ रही है, एंड यूजर तक आती है. पहले क्या होता था, ये इंफॉर्मेशन कहां आती थी, केबल प्रोवाइडर के पास, और केबल प्रोवाइडर क्या करता था, एंड यूजर को केबल्स प्रोवाइड करता था इस तरीके. ठीक है, अब लेकिन क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब आपकी जो इंफॉर्मेशन है क्या हो रही है, अर्थ स्टेशन से, यानी जहां से इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है, यानी जहां से इंफॉर्मेशन भेजी गई है, वहां से क्या करेगी, सैटेलाइट तक जाएगी, और सैटेलाइट के बाद डायरेक्ट कहां आ जाएगी, आपके पास पहुंच जाएगी, यानी एंड यूजर के पास पहुंच जाएगी. ठीक है, तो दिस इज द वेरी एडवांटेज यस, और जो कि इन फ्यूचर इसका काफी यूज और भी होने वाला है, और आप देखते हैं कि नॉर्मल डेली लाइफ में भी इसका यूज बहुत ज्यादा हो भी रहा है. ठीक है, इसके बाद आता है इसके फीचर. जैसा कि मैंने बताया, इसका जो अपर्चर है वो काफी स्मॉल होता है, और जो साइज ऑफ एंटीना डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑपरेशन. ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी अगर मुझे चाहिए तो मुझे क्या होगा, उतना ज्यादा उसका एंटीना चाहिए होगा. ठीक है, यूजली ऑपरेट्स इन सी कू एंड का फ्रीक्वेंसी बैंड. जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, जो कि नॉर्मल टेलीकम्युनिकेशन के लिए या फिर हमारी यूज करी जाती है, वो इसी बैंड में काम करती है. इसीलिए क्या होता है, VSAT भी उसी फ्रीक्वेंसी में ही काम करता है. क्यों, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हमारी सैटेलाइट ट्रांसमिट करेगी, वही तो फ्रीक्वेंसी VSAT कैच कर पाएगा, और वही फ्रीक्वेंसी क्या होगा, हमारा VSAT जब सेंड करेगा तो वही फ्रीक्वेंसी क्या हो पाएगी, सैटेलाइट कैच कर पाएगी, और जो सैटेलाइट है वो इसी फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करती है, तो इसीलिए जो हमारे VSAT है वो भी इसी फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं. ठीक है, इसके अलावा क्या है, हाईली वर्सेटाइल एंड अलाउ बोथ द नैरो बैंड एंड ब्रॉड बैंड डेटा कम्युनिकेशन विद सैटेलाइट्स इन द जियो स्टेशनरी एंड जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट. ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये हमारी जो जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में जो हमारी सैटेलाइट्स रिवॉल्व कर रही हैं वो इसके साथ कनेक्ट कर पाती हैं. ठीक है, तो ये क्या है, इट इज द फीचर्स ऑफ अवर VSAT, जो कि हमारे इन फ्यूचर और जो कि राइट नाउ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. ठीक है, इसके बाद आता है हमारे यूजेस. इसके यूजेस में क्या देखने को मिलता है, बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि आपने देखा होगा जब भी कोई टीवी रिपोर्टर्स होते हैं, कहीं कैच करने, आई मीन कहीं कोई भी इंफॉर्मेशन न्यूज लेने जाते हैं, तो उनकी एक वैन होती है. ठीक है, तो वहां पर होता क्या है, उसकी वैन में भी क्या होता है, VSAT लगा होता है. वैन के ऊपर आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, वो उसको कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, वो उस VSAT का यूज करके अपने टीवी चैनल के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाकर, यानी उनका जो बेस स्टेशन है वहां पर इंफॉर्मेशन पहुंचा पाते हैं, और डायरेक्टली उससे कनेक्ट करके लाइव जो है क्या कर सकते हैं, लाइव न्यूज को क्या कर सकते हैं, लोगों तक ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है कि इट इज स्मॉल, दैट्स वाई इट कैन बी मोबाइल. ठीक है, यानी इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, इसीलिए इसको मिलिट्री में भी यूज करा जाता है, लॉ एनफोर्समेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज करा जाता है, कमर्शियल पर्पज, जैसे कि मैंने बताया आपको एग्जाम्पल दिया, कमर्शियल मतलब न्यूज गैदरिंग के लिए यूज करा जाता है. ठीक है, क्योंकि इसका जो स्मॉल अपर्चर है उसी की वजह से इसका इतना ज्यादा एडवांटेज है. इसका एडवांटेज जो है, इसलिए इसका यहां
पर यूज हो पाता है। अदरवाइज क्या है, अदरवाइज हम बात करें तो नॉर्मल जो एंटीनाज होते हैं, जो कि अगर जो केबल सर्विस प्रोवाइडर होते थे उनके जो एंटीनाज होते थे वो बहुत बड़े होते थे, ठीक है, और वो ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को कैच करते थे, उसके बाद क्या करते थे वो आगे इन्फॉर्मेशन केबल्स के थ्रू घरों तक पहुंचा पाते थे, ठीक है। लेकिन अब यहां पर स्मॉल अपर्चर की वजह से क्या है, इस काफी मोबाइल है और काफी जो इसका यूज देखने को मिलता है, जैसा कि अभी आपको पता चला है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, इसका यूज D2H यानी डिश टीवी एंटीनाज में यूज करा जाता है, बिजनेस में यूज करा जाता है, इसका साथ साथ जो यूज है आपका मैरिटाइम यानी आपकी शिप्स में यूज करा जाता है। क्यों करा जाता है, क्योंकि वहां पर शिप्स भी क्या है काफी मोबाइल होती है, उनको कंटीन्यूअसली क्या करना पड़ता है, मूव करना पड़ता है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या करना पड़ता है, उसको अलाइन करना पड़ता है, स्टेबलाइज करना पड़ता है। क्यों, शिप जो है वो थ्री डायमेंशनल मूवमेंट होती है उसकी, वो आगे भी मूव करती है, राइट लेफ्ट, और पानी ऊपर नीचे होता है तो जिस वजह से वो ऊपर नीचे भी होती है, तो इसको स्टेबलाइज करा जाता है और उसको क्या करा जाता है, हमारे बेस स्टेशन के साथ कनेक्ट करा जाता है। तो इसका जो यूज है वो काफी जगह देखने को मिलता है, क्यों, क्योंकि ये इसका मोबाइल नेचर की वजह से इसको क्या कर सकते हैं, हम कहीं पे भी मूव करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा, टेलीकम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा, कम्युनिकेशन कैसे पॉसिबल है, ट्रांसमिशन मीडिया देखा हमने कि ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन सा होता है, दैट मींस ट्रांसमिशन किस तरीके से करा जा सकता है, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में हमने पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में, क्योंकि अभी जो पुरानी जो चीज़ें हैं यानी कोएक्सियल केबल्स हो गई या हमारी जो ट्विस्टेड केबल है वो सारी क्या है, पुरानी हो चुकी हैं, और अब जो है आगे आने वाले टाइम में ऑप्टिकल फाइबर का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। और उसके बाद जो हमने पढ़ा, उसके उससे पहले हमने पढ़ा वायरलेस कम्युनिकेशन के बारे में, वायरलेस क्यों जरूरी है वो भी सब हमने देखा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। इस डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के बारे में हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि क्या होता है डिस्प्ले। इज बेसिकली जैसे कि हमने पढ़ा भी है, डिस्प्ले की अगर मैं बात करूं कंप्यूटर में तो इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज आवर डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स इट्स आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन डालते हैं कीबोर्ड्स के थ्रू और वो कंप्यूटर यानी सीपीयू में इंफॉर्मेशन जाती है और फिर वो कहाँ पर शो होती है, डिस्प्ले यानी मॉनिटर पे शो होती है। तो उसी तरीके से जो डिस्प्ले होती है वो बेसिकली क्या है, हमारी सारी इंफॉर्मेशन को शो करने में हमारी हेल्प करती है, जो कि हम लिखा हुआ है, अ डिस्प्ले डिवाइस इज एन आउटपुट डिवाइस फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन विजुअल एंड टेक्टिकल फॉर्म, ठीक है। वेन द इनपुट इन्फॉर्मेशन दैट इज सप्लाइड हैज एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल द डिस्प्ले इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो डिस्प्ले पे शो हो रही है, दैट इज इट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स हैं जो कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि काफी जो चीजें हैं वो पुरानी भी हो चुकी हैं और जो कुछ चीजें हैं वो अभी उनके अंदर और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट होता आ रहा है, जैसे कि हम देखते हैं LED के बारे में, LCD के बारे में, ठीक है, प्लाज्मा TV के बारे में, ठीक है। तो ये सारी चीज क्या है, हमारे लिए थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें अभी डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए हम आगे पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एवोल्यूशन के बारे में, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। तो डेवलप में सबसे पहले हमारे पास जो जनरेट हुई थी दैट वाज द CRT, जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब, और उसका यूज जैसे कि आपने देखा था कि पहले अगर बचपन में देखा होगा, कभी आप छोटे रहे होंगे, तो उसमें क्या आता, उसमें हमारे इतने बड़े बड़े टीवी बॉक्स होते थे, ठीक है, इतने बड़े बड़े, मतलब उनका जो अंदर डेप्थ होती थी वो इतनी बड़ी होती थी, ठीक है। उसके बाद क्या आया, हमारा LCD LEDs आए, प्लाज्मा TV आया, प्लाज्मा का जनरेशन काफी टाइम से हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसका जो अभी जो यूज है काफी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या है, उसका डेवलपमेंट है, ठीक है। पहले क्या आया था हमारे पास, CRT कैथोड रे ट्यूब, उसके बाद आया LCD दैट वी कॉल लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, जैसा कि आप नाम से ही देख सकते हैं, इट इज अ लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद आया हमारा LEDs व्हाट, दैट इज अ लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्ले, इसमें होता क्या है वो भी अभी हम देखने वाले हैं। स्मार्ट LEDs, ठीक है, स्मार्ट यानी 3D TV आए हमारे पास। फिर उसके बाद अल्ट्रा हाई HD TVs आए, जैसे कि हम जानते हैं। उसके बाद OLEDs आ गए, कर्व्ड अल्ट्रा HD TVs आ चुके हैं हमारे पास। दीज आर कॉल्ड डिस्प्लेस, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, हम अपनी इन्फॉर्मेशन हमारे को शो होती है, ठीक है। अभी ये क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, तो इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास आती है कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। कैथोड रे ट्यूब में क्या होता है हमारे पास, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज वी कॉल्ड कैथोड रे डिस्प्ले, ये क्या है, हमारी डिस्प्ले है, ठीक है। कैथोड रे इज एन वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब कैसे होती है, अभी दिखाता हूं आपको, कंटेनिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन गन्स एंड बीम ऑफ विच आर मैनिपुलेटेड टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन फॉस्फोरेंट स्क्रीन, द इमेजेस मे रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म पिक्चर्स
ठीक है। उसके अलावा सीआरटी हैव आल्सो बीन यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन विच केस द स्क्रीन इज नॉट इंटेंडेड टू बी विजुअल टू एन ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये हम क्या है बेसिकली, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गन होती है और स्क्रीन होती है उसके अंदर, उसके ऊपर फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिसे हम कहते हैं। ठीक है,
तो ये सारे थे हमारे LCDs के एप्लीकेशन। इसके बाद आता है हमारा लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड में होता क्या है, बेसिकली हम जैसे कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में देखते हैं LEDs बल्ब्स होते हैं, ठीक है, दीज आर वेरी बल्की और हैवी, ठीक है, जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं जस्ट फॉर एमिटिंग लाइट, ठीक है, जो कि व्हाइट लाइट ग्लो करते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, हम लाइट एमिटिंग डायोड्स का ही यूज कर रहे हैं, लेकिन दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, वेरी टाइनी, जो कि हम जिनको हम एज अ पिक्सल की फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो पिक्सल्स होते हैं 720x1080 पिक्सल्स, ठीक है, तो व्हाट इज दीज, दीज आर द नंबर ऑफ डायोड्स जो कि हमारे एलईडी पैनल्स में फिट करे जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि इट इज हाईली, आई मीन इट इज एचडी टीवी, व्हाट डू मीन बाय एचडी टीवी, दैट मींस उसके जो पिक्सल कितने हैं 720x1080, यानी उसमें इस तरीके से 720 पिक्सल्स हैं और इस तरीके से हमारे कितने हैं 1080 पिक्सल्स रखे हैं, तो अगर उनको मल्टीप्लाई करा जाए तो दैट इज द नंबर ऑफ डायोड्स जो कि हमारे एक पर्टिकुलर पैनल में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एलईडी पैनल में यानी एलईडी डिस्प्ले में। तो यहां पर जो लाइट एमिटिंग डायोड है वो यही होते हैं। द लाइट एमिटिंग डायोड इज अ फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले दैट यूजेज एन अरे ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड एज अ पिक्सल फॉर वीडियो डिस्प्ले, देयर ब्राइटनेस अलाउज देम टू बी यूज टू यूज आउटडोर वेयर दे आर विजिबल इन सन फॉर स्टोर साइंस एंड बिलबोर्ड्स। जैसे कि हमें पता है कि इनका बहुत जगह यूज होता है डेली लाइफ में, हम देखते हैं कि इसको कहीं पे भी आप जाएंगे तो इनका यूज काफी देखने को मिलता है, चाहे बिलबोर्ड है या साइन सिग्नल्स है, आप ट्रैफिक लाइट देखते हैं वो भी एलईडीज की बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है, इनका इन्हीं एलईडीज का यूज क्या करते हैं, हम डिस्प्लेज में यूज करते हैं। और डिस्प्ले में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जो आपके 720x1080 अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है दैट इज द नंबर ऑफ डायोड जो कि हमारे एक पैनल में एग्जिस्ट करते हैं। और जो टाइप्स हैं हमारे जो कि हम डेली लाइफ में अभी इनका यूज हो रहा है और काफी हो चुका, जिनको इंप्लीमेंट कर दिया गया है, दैट इज आवर ओएलईडी एमोल्ड डिस्प्ले जो कि आपने देखा होगा एमोल्ड का जो हम फोन्स वगैरह में यूज करते हैं। उसके अलावा होता है क्वांटम डिस्प्ले, ठीक है, क्वांटम डॉट डिस्प्ले जिसे हम क्यूएलईडीज कहते हैं, जो कि आपने मार्केट में काफी कुछ इसके बारे में सुना भी होगा, ठीक है। तो दीज आर एलईडीज जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में जिसको हम एज ए बल्ब में यूज करते थे वही आज के टाइम में हम किस में यूज कर रहे हैं, हमारे लाइट एमिटिंग डिस्प्लेज में, लाइट एमिटिंग डायोड डिस्प्लेज में यूज करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास क्या है, इसका यूज काफी देखने को मिलता है। इसके बाद आता है इसके एडवांटेज। इसके एडवांटेज क्या है, इट इज हाईली एफिशिएंट एंड लो एनर्जी कंजप्शन, क्योंकि ये काफी कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज कंपेयर टू योर CRTs एज वेल एज योर LCDs, ठीक है, LEDs, LCDs जो हैं वो भी है जो काफी एनर्जी कंज्यूम करते थे, ठीक है, जिनको अब और भी ज्यादा एफिशिएंट बना दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इट हैज बेसिकली क्या है, इसके अलावा हमारे पास और भी लाइट एमिटिंग सोर्स होते हैं, लेकिन एलईडीज का स्पेशल एडवांटेज ये है कि वो किसी भी कलर की लाइट को रिलीज कर सकते हैं। तो जो अलग अलग कलर की लाइट्स होती है वो क्या होती है, रिलीज जब होती है पैनल में तो हमें ऐसे लगता है कि एक पिक्चर शो हो रही है या फिर वो मूविंग पिक्चर है, इस तरीके से वो हमें इंफॉर्मेशन शो होती है। दैट डिपेंड्स कि पीछे से कितनी एनर्जी का सिग्नल उनको ट्रांसमिट करा गया है, एक पर्टिकुलर डायोड को पहुंचाया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, इट प्रोड्यूस मोर ब्रिलियंस एंड ग्रेटर लाइट इंटेंसिटी, ठीक है। तो इसका ये सारे एडवांटेजेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से हम इसका यूज काफी डेली लाइफ में कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई एलईडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डेली लाइफ एज वेल एज इन फ्यूचर। क्यों, क्योंकि यही जो चीज है आगे डेवलप करके, इनको पहले जो हमारे नॉर्मल LEDs थे उसको AMOLED डिस्प्ले बनाया गया या OLEDs बनाया गया या QLEDs बनाया गया। क्यों, क्योंकि ये उतने ही ज्यादा एफिशिएंट होते जा रहे हैं, उतने ही ज्यादा इनका अलग-अलग यूज करा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास प्लाज्मा डिस्प्ले। व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा इज बेसिकली एन आयनाइज्ड गैस, ठीक है। प्लाज्मा क्या है, बेसिकली हमारी आयनाइज्ड गैस होती है। आयनाइज्ड गैस क्या होती है, बेसिकली आयनाइज्ड गैस का मतलब क्या है कि अगर हम नॉर्मल अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हमारी हर एक चीज कहीं ना किसी चीज से बनी हुई है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, H2O, H2O में क्या होता है हमारे पास, H2O में दैट मीन्स वाटर, जिसे हम वाटर कहते हैं, ठीक है। अब वाटर किस चीज से बना है हमारे पास, H2O से। अब H2O में हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट है, एक है H और दूसरा क्या है हमारे पास O। What is H? That is oxygen and H is hydrogen and O is oxygen, ठीक है। अब ये क्या है, these are elements, और इसी elements में क्या होते हैं हमारे पास,
हमारे पास जो देखने को मिलता है दैट इज वी कॉल्ड एटम। ठीक है, जो एटम्स होता है, एटम के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं उन और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, जैसे कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि नॉर्मल एग्जिस्टेंस कर रही है, सपोज मैं अगर बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन में नॉर्मल जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो 8 है, जितने भी है, ठीक है 8 है बेसिकली। ठीक है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अगर उसमें से 8 में से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर दूं यानी हटा दूं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए आयनाइज्ड क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो जो प्लाज्मा होता है दैट इज द आयनाइज्ड स्टेट ऑफ द गैस, यानी जो गैस है उसको मैं आयनाइज कर दूं, उसके बाद क्या होगा, हमारा आयनाइज्ड एटम भी एग्जिस्ट करेगा और साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे लेकिन एक दूसरे से कभी मिलेंगे नहीं। तो इस तरीके से जो होता है वो हमारा प्लाज्मा कहलाता है, जो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है। और हमारी इवन स्पेस में 99% स्पेस में हमारा क्या है, प्लाज्मा ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्लाज्मा डिस्प्ले बनाया जाता है, यानी जो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले होता है उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है, उसमें छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उन छोटे छोटे ब्लॉक्स में हमारी प्लाज्मा गैस को फिल करा जाता है और उनको क्या होता है, पीछे से एक सिग्नल प्रोवाइड होता है और वो सिग्नल प्रोवाइड होने की वजह से वो प्लाज्मा गैस जो होती है वो क्या करती है, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट को रेडिएट करते हैं यानी एमिट करते हैं। और अगेन उस लाइट के एमिशन की वजह से ही मुझे क्या शो होगा, आपको क्या शो होता है, आपको एक पर्टिकुलर, आपको एक पर्टिकुलर इमेज शो होने लग जाती है। जैसा कि मैंने बताया ना कि इट इज पैनल, और जो प्लाज्मा जो छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं दे आर वेरी वेरी टाइनी, क्योंकि इतने टाइनी होते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उसको देख भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि 720 × 1080 दैट मींस उसमें इतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो ब्लॉक्स क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर ब्लॉक्स को पीछे से एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो पर्टिकुलर एनर्जी को रिलीज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इनका जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर क्या है, कुछ पर्टिकुलर प्लेट्स हैं और उस प्लेट्स के अंदर उनको छोटे छोटे बॉक्स में जो यहां पर आप देख रहे हैं ये क्या होता है, यहां पर इनको आयनाइज्ड गैस फिल करी जाती है और दीज आर वेरी वेरी स्मॉल जो कि एज अ पिक्सल्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है इसके फीचर्स जो कि हम देख सकते हैं, इट कैन बी, इट इज बेसिकली थिनर देन कैथोड रे ट्यूब, जो कि हमारी जो कैथोड रे ट्यूब होती है उससे काफी थिन होते हैं, काफी ब्राइटर होता है यहां पर जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है, यहां पर प्लाज्मा गैस का यूज हो रहा है, तो गैस यूज होने की वजह से हमारे पास आज के टाइम में हम कर्व टीवी भी यूज कर सकते हैं और जो कर्व होते हैं उनका डिस्टॉर्शन जो होता है कॉर्नर से बहुत कम होता है। ठीक है, तो दैट इज द वन ऑफ द फीचर या दैट इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर ऑफ आवर प्लाज्मा डिस्प्ले चैनल। ठीक है, जो कि हमारे कर्व टीवी में देखने को मिलता है, इसी फीचर की वजह से ये काफी कॉस्टली भी है। जब आप मार्केट में इसे परचेज करने जाते हैं तो ये काफी देखते हैं कि इनकी जो कॉस्ट है काफी ज्यादा होती है, इवन लैक्स तक होती है, जो छोटे से छोटा पैनल आपको मिलता है वो काफी ज्यादा कॉस्टली है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड टू डिस्प्ले आइदर एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल मोड डिस्प्ले कंप्यूटर इनपुट। उसके बाद जो इसका जो मेन जो जैसे कि मैंने बताया इट इज स्लाइटली कर्व्ड फ्रॉम द एज ऑफ द स्क्रीन, और उसके साथ साथ क्या है कि जो हमारे अनलाइक मैनी एलसीडी डिस्प्ले, प्लाज्मा डिस्प्ले ऑफर्स अ वाइड, वेरी वाइड व्यूइंग एंगल। वेरी वाइड व्यूइंग एंगल का मतलब ही क्या है कि अगर एलसीडी से जो रेज है वो इस एंगल तक जा सकती हैं यानी इस तरीके से, तो जो हमारे पास जो प्लाज्मा से जो रेज निकलती है वो इतने सही यानी यहाँ तक भी हम अगर इधर भी बैठ के अगर हम प्लाज्मा टीवी के साइड में बैठ के अगर हम टीवी देखते हैं तो भी हमें क्या होगा, हमारे को वो रेज हमारी आईज तक पहुंच पाती है, क्यों, क्योंकि उसके वाइड एंगल व्यू की वजह से। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा फोन्स में क्या होता है, काफी वाइड एंगल व्यू जो कैमराज होते हैं उसमें वाइड एंगल व्यूज फीचर्स देखने को मिलता है। व्हाट इज दिस, कि वो ज्यादा एंगल तक की इमेजेस को कैप्चर कर सकता है। उसी तरीके से जो प्लाज्मा डिस्प्लेज होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ज्यादा एंगल तक के व्यूज को, व्यूअर्स को शो होता है। ठीक है, तो इसके यही फीचर्स की वजह से ये ज्यादा यानी इसके इतने ज्यादा फीचर होने की वजह से ही क्या है, ये बाकी डिस्प्लेस के कंपेयर यानी बाकी डिस्प्लेस से कॉस्टली है एज कंपेरिजन टू अदर डिस्प्लेस। ठीक है, तो ये सारे क्या थे हमारे, ये सारे हमें देखने को मिला इसके किस किस तरीके की डिस्प्ले टेक्नोलॉजी होती है। हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्या है, इट इज़ ऑल रिलेटेड टू आईटी एंड कम्युनिकेशन। और आईटी एंड कम्युनिकेशन का मतलब ही क्या है, एक दूसरे से ये सारे लिंक्ड है। ठीक है, आईटी अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा तभी तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आईटी का यूज़ करके कम्युनिकेट कर सकता हूँ, सैटेलाइट से अपनी इन्फॉर्मेशन मंगा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल बात करूँ घर में, अगर हम टीवी चैनल्स न्यूज़ क्यों देख पाते हैं, क्योंकि हमारे घर पे डिश टीवी एंटीनाज है यानी वी सेट लगे हुए हैं और वो क्या करते हैं कम्युनिकेशन
रेडिएशन का यूज करके हम सैटेलाइट सिग्नल्स क्या कर पाते हैं, रिसीव कर पाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम क्या कर सकते हैं, उनको देख पाते हैं। यानी ये जो डिवाइस है, दीज आर डिस्प्ले डिवाइसेस, और ये डिस्प्ले डिवाइस क्या करते हैं, हमारे को वो सारी इंफॉर्मेशन शो करते हैं। तो दीज ऑल आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा रिव्यू लिया है, और किस तरीके से किस इंफॉर्मेशन यानी किस बेसिस पे ये सारे बने हैं हमारे लिए जानना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि ये ही क्या है आगे इंफॉर्मेशन, यही जो चीजें हैं, जैसे कि हमने क्वांटम डॉट्स के बारे में पढ़ा, दीज बेसिकली क्या है, दिस इज द पार्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारे जो नेक्स्ट पिलर है उसमें हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो वहां पर देखेंगे किस तरीके से क्वांटम डॉट्स जो होते हैं, जो कि हमने QLEDs होते हैं, वो किस तरीके से अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है, यानी किस तरीके से वो क्वांटम डॉट्स बनाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हीं क्वांटम डॉट्स का यूज इन फ्यूचर और आज भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी, हमारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, और इसीलिए हम क्या करेंगे, इन सब के बारे में पढ़ा है हमने। अब आगे की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे की वीडियो में हम इंटरनेट के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स हो गया, 5G हो गया, ये सारी चीज नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ने वाले हैं, आगे की वीडियोस में हम यही सब देखने वाले हैं, ठीक है। तो आगे की हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, हमारी वीडियोस को शेयर करिए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आई होप आप मुझे इनके आंसर जरूर देंगे।